पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों द्वारा सीआरपीएफ के 44 जवानों को शहीद कर दिया गया था। उससे आहत होकर पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेना के जवानों को आदेश दिए गए थे कि पाकिस्तान से बदला लेकर शहीदों को नमन करना चाहिए। उसी का पालन करते हुए बीती रात वायुसेना के जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर लगभग 300 से अधिक आतंकवादियों को ठिकाने लगाया। उसी सर्जिकल स्ट्राइक से भारत में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसको लेकर सरप्रिया समिति द्वारा पीली कोठी चौराहे पर मोमबत्ती जलाकर शहीदों के लिए गीत गाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सरप्रिया समिति के कार्यकर्ता मौजूद रहे। 14 फरवरी को जो पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों के द्वारा जो कायराना हरकत करी गई और हमारे 40 से अधिक लोगों को जो निर्मम तरीके से पीठ के पीछे बात करके मारा गया, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान ने शेर को ललकारा है और शेर अब जाग चुका है, वह उसका परिणाम भुगतेगा। पाकिस्तान की सरकार, आतंकवादी और पाकिस्तान के सरपरस्त लोग इसका परिणाम भुगतेंगे। और आज ठीक 12 दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़ाकू विमानों ने, हमारे शूरवीर सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाक अधिकृत कश्मीर ही नहीं बल्कि उसकी सीमा में, पाकिस्तान की सीमा तक पहुँच कर उनके कैंपों को, आतंकवादियों के कैंपों को नेस्त नाबूद करा और जड़ से मिटा दिया। ये जो आज कार्यक्रम आपने करा है दीपक, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हम एक तो हम जो है अपने वीर सैनिकों के साथ हैं, हम उनको ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि जो वीर सैनिक हमारे सीमा पर खड़े हुए हैं वो अपने आप को अकेले ना समझें। भारत का एक एक नागरिक, एक एक महिला देवी के रूप में मैं उनके पीछे खड़ी है। आवश्यकता होगी तो वो उनकी सपोर्ट के लिए, उनके परिवारों की रक्षा करने के लिए हम आगे भी उनके लिए